स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। बीजापुर का ड्रोन बॉय। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आए दिन युवा अपनी नई खोज के जरिए लोगों को अचंभित करते रहते हैं। इसी कड़ी में शहर बीजापुर के बागलकोट क्रॉस निवासी 15 वर्षीय भुवनेश बजंत्री नामी युवक, जो बीएलडी में डिप्लोमा इन ईएनसी कर रहा है, जिसने अपनी प्रतिभा के चलते एक ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन के फीचर्स कैपेसिटी के बारे में यस न्यूज से बात करते हुए खुद भुवनेश भजंत्री ने विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मोहसिन शेख और अन्य लोगों ने इस बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हुए इसकी खूब सराहना की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम घूम रहे थे, हमारी टीम यहाँ के पॉलिटेक्निकल में, हमारे भुवनेश करके एक लड़के थे जो हमारे दोस्त और अहबाब हमारे देखे उनको क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ 5 मंथ में अपना डूम का एक्सपेरिमेंट जो किया था वो आज कंप्लीट हुआ, सिर्फ 5 मंथ में। और ये इनके हमें जहाँ तक अभी मैं जस्ट पूछा, शायद कैमरे में ये कर लिए हैं, तो उसे बेसिस को देखे तो ये लड़के सिर्फ फर्स्ट ईयर हैं डिप्लोमा ईएनसी में, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में। तो इनके हमें ऐसे इनका हौसला अफजाई करने के लिए सब न्यूज़ वालों को, हमारे मीडिया वालों को कांटेक्ट करके, हमारे बाबा और दोस्त सब थे यहाँ पे, उन्होंने बुला के बात की है। तो इन्होंने ड्रूम सिर्फ 5 मंथ में कंप्लीट किया, ना किसी का सपोर्ट लिया ना कुछ नहीं, सिर्फ उनके पापा लेके आके दिए, स्पेयर पार्ट लेके आके दिए, ऐसे ऐसा करो करके, तो उस बेसिस को बना रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा उम्मीद करेंगे, और हमारे हाथ से क्या होगा उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमें सर आज के अब जो देखा जाए तो छोटे जो 15 साल के बच्चे हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं कंप्यूटर में, वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहते? देखो, गेम का बेसिस भी एक गेम का भी मोटो रहता, बच्चा क्यों खेलता है। पबजी को ले लो, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है पबजी के खेलने के बेसिस मना नहीं है, पबजी के लेवल में क्या क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। पबजी का देख के ऐसा नहीं है कि 24 घंटे गेम खेलो, उस बेसिस पे हमको क्या नॉलेज मिलती है वो भी ट्राई कर सकते हैं हम। पबजी का एक ये है, कैमरे के एंगल अलग अलग आते हैं, तो कैमरामैन भी देख के ये एंगल से शूट करना, वो एंगल से शूट करना, कैप्चर करना, और प्लेयर्स को कैसा कलेक्ट करते हैं, कंबाइंड कैसा करते हैं, वर्ड गेम्स का नॉलेज भी अच्छा ही है। जो स्पॉन्सर गेम के पीछे कर रहे हैं ना, वो भी इंजीनियर ही हैं, उनको ऐसे ही कुछ गेम का, उनको ब्लेम नहीं कर सकते गेम का। गेम का एक रेंज रहता टाइमिंग का, कि बच्चों को ये टाइम पे ये खेलो, एक टाइम पे ये खेलो। हाँ, ये 24 घंटे छोड़ के सिर्फ कुछ घंटे खेल के अपना और अपना एजुकेशन कंप्लीट करके ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर है। और हमारी यंग जनरेशन बहुत अच्छी है, पहले से जनरेशन से भी अभी बहुत अच्छी है एक्सपेरिमेंट में, अभी माहौल अच्छा हो रहा है, आते आते ये करते हैं, तो इनका देख के बहुत सारे सीखेंगे करके, ये उम्मीद हमारी। युवाओं को एक मैसेज जाएगा इनके, बहुत अच्छा जाएगा युवाओं का, करके नहीं बोल सकते, ये जनरेशन पूरा कैसा है, युवा पीढ़ी है। 15+ में ये अचीवमेंट करना का तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक कार का फ्लाई स्काई का रिमोट लेके ये एक्सपेरिमेंट करना, और इन्होंने जैसे बताया 1000 HP की एक मोटर है, तो 4 मोटर बना के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 मीटर तक रेंज जाएगा ये हमने पूछ लिया है। तो इनको बिना किसी टीचर्स के जो कलेक्ट कर रहे हैं ये यूट्यूब गेम्स के जरिए ले रहे हैं, तो उसका गेम्स का भी एक ये लो मोटो, उसका अचीवमेंट रहता है गेम में क्या क्या है, उसको कलेक्ट करके ये भी बना सकते हैं। ये भुवनेश भजंत्री कल को ये बच्चा है, आज के जनरेशन में हर बच्चे मोबाइल के अंदर ये खेलने में बिजी हैं, लेकिन ये जो बच्चा ड्रोन बना है, इसकी हमारे बीजापुर वालों की और कर्नाटक वालों की हमारी खुश नसीबी है कि बच्चे हमारे इसमें ऐसे भी बच्चे हैं, और आज ये ड्रोन बनाया है। मैं जहाँ तक समझ में, मेरे दिमाग से मैं ये बच्चे का जो टैलेंट देखता हूँ, ये मिसाइल तक बनाने की इसके पास कैपेसिटी है। ये बच्चे को जो तमाम जो बड़े लोग हैं हमारे बीजापुर के, जितने भी, से सपोर्ट करो, और ये बच्चे की हिम्मत अफजाई करो, और इसको गुलकुशी करो, और जो अपने हाथ से बन सकता है इसका सपोर्ट करो। ऐसे बच्चों को देखो, हमारे बीजापुर का यह नाम रोशन मुस्तकबिल में बहुत आगे जाएगा। ये बच्चा,
ये बच्चे की तरफ से हमारे बीजापुर का नाम होगा इंशाल्लाह। सभी मिलके इसको सपोर्ट करो, मैं भी उसको शुक्रिया करता हूँ भुवनेश भजंत्री का। और ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, ये बच्चे के माँ बाप को भी मेरा सैल्यूट है। और ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसके लिए सब सपोर्ट करो इसको। जय हिंद। नमस्कार। हूड़ग पी टी जी शाले वे तरग हतने तरगत कल्ताने और भाई टैलेंट इन भविष्य मुझे चेनाली अब मुद्दे द्रोण माने इन हेलिकाप्टर मिले नम एलू आशीर्वाद इशे द्रोण अंत माँ अब 15,000 रूपये खर्च आगे स्वतंत तान स्वतः कूड़ी माने ना ते तु स्वल्प मदत मदत ते माने ना और पैलेट आगे रिलेशन दोस्त मग अस्टे दोस्त मग इले बी डी जी हर मन ड्रोन खुदा रेडी नम बहुत वाले व्यार्थी चिख मगु व्यार्थी ना भाला भाला सतोष नीलकट। मेरा नाम है भवनेश और मैं एफवीवी ड्रोन बनाया है फर्स्ट पर्सन व्यू करके। और मैं पीडीजे में पढ़ता था और मैं कॉलेज अभी कॉलेज को जाता हूँ बीएलडी पॉलिटेक्निक करके। और मैं 5 मंथ्स लिया हूँ इसको बनाने के लिए, 3 मंथ्स कंट्रोलिंग सीखने के लिए और 2 मंथ्स और इसको फ्लाइट अच्छे से करने के लिए। और मैं लैपटॉप में करता था ये कोडिंग बीडिंग। और खर्चा मतलब पूछे तो 15,000 तक आया है। और मेरा बैक सपोर्ट है मेरे पापा और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल चुका है गवर्नमेंट से। और अभी पढ़ रहा हूँ डिप्लोमा ENC करके इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन करे डिप्लोमा किया BLD स्कूल में। ये आपका ड्रोन बनाने का आपके माइंड में कैसे आया? मतलब मुझे मेरे माइंड में नहीं था करके मेरे पापा ने पार्ट्स ले करके मुझे बना करके फोर्स किया था। मतलब फोर्स नहीं मतलब मेरा उसमें दिमाग करके। और मैं इसमें ही बैठ गया, 10th भी नहीं मतलब उतना एम नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसमें ही बैठ गया। किंदर क्या क्या आपने जोड़ा है, क्या क्या कि बैटरी कितने घंटे आती है, क्या क्या बताइए जरा। बैटरी पूछे तो 4 घंटा चार्ज करना, 4 घंटा चार्ज करना बैटरी को। और ये 11 वोल्ट का है और 2200 mAh का है। और ब्रशलेस मोटर, 4 ब्रशलेस मोटर और ESC 4 और रिसीवर और फ्लाइट कंट्रोलर और ये फ्लाई स्काई करके रिमोट कंट्रोलर। ये सब प्रोग्रामिंग किया हुआ है क्या? हाँ प्रोग्रामिंग किया हुआ है। अब कितना घंटा बैटरी आता है उसको चार्ज करने के बाद? 14 to 20 मिनट्स तक आता है। अच्छा, कितना हाइट तक आता है ड्रोन? GPS लगाए तो मतलब 2 किलोमीटर तक जाता है हाइट में। हाँ ऊपर। हाँ और ट्रायल करके देखा है क्या? नहीं दिखा है, नहीं दिखा, GPS नहीं लगाया अभी, अभी तक नहीं लगाया। हाँ नहीं मतलब अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग ऐसे ही हाँ। कर रहे हैं। तो अभी इस ड्रोन को लेकर आप क्या करने वाले हैं आगे? मतलब इसको GPS लगाने वाले हैं, मतलब शूटिंग करने वाले हैं। रेसिंग ड्रोन है मतलब देखे तो FPV करके। और मैं इसको टेस्टिंग करने वाला हूँ, बहुत डेंजर से तरह पर। तो क्या आपने ड्रोन बनाया आपके कॉलेज में पता है या? नहीं नहीं कॉलेज में नहीं पता, स्कूल में मतलब मुझे सर्टिफिकेट वो सब मिल चुका है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? मतलब कॉलेज में फर्स्ट ईयर हूँ। कहाँ पर? डिप्लोमा मतलब BLD पॉलिटेक्निक। BLD पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। आपको किसी ने सिखाया है, आपने खुद ही? मैंने खुद ही बनाया। खुद ही आपने अपने तरीके से बनाया। तो अभी आप आगे ये ड्रोन तो बनाए, इससे और क्या बनाना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में? मैं अभी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें ही आइडिया मतलब आए तो मैं ओन का बिजनेस खोलूंगा। भी आपने ड्रोन बनाया है, अभी इसमें क्या कमी है, क्या डालना बाकी है? अभी इसमें कैमरा और GPS और इसमें फ्लाई स्काई करके और एक कैमरा आता है FPV का, वो एक। अभी आपने इसमें नहीं फिट किया है? नहीं, बस सिर्फ ड्रोन अभी उड़ता है अभी। हाँ। शूट वगैरह नहीं करता है? नहीं नहीं। तो अभी आप वो कैमरा वगैरह बताएंगे तो काम शुरू हो जाएगा। हाँ। शूट वगैरह करने का आपने कोई एग्जांपल किया है क्या इसके साथ में? मतलब अभी कैमरा वगैरह की कोई आपने टेस्ट लिया है? हाँ टेस्ट किया है ना। हाँ, मतलब मोबाइल लगा के इधर मोबाइल लगा के शूट किया है आपने? हाँ। कैसे क्वालिटी कैसे है वीडियो की? अच्छा आता है मतलब थोड़ा, मतलब अभी करना प्रोग्रामिंग शेक थोड़ा होता है। अभी आप कितने दिन लगे आपको बनाने के लिए? 5 मंथ्स ले चुका। 5 मंथ ले चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बचा है। हाँ। कब तक कम्प्लीट हो जाएगा? 1 ईयर तक कम्प्लीट होगा। 1 ईयर तक। तो आप इसके बाद में क्या करने वाले कम्प्लीट होने के बाद? कम्प्लीट होने के बाद मतलब BLD में ग्रेजुएट होऊंगा और मैं ओन बिजनेस करूंगा। ये ड्रोन का? हाँ ड्रोन का और इलेक्ट्रिकल जो भी आपका। हाँ। खुद का ही बिजनेस करना है? हाँ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मतलब।
उसमें। जॉब भी करने के चक्कर में नहीं आ? नहीं नहीं, खुद का ही बिजनेस बनाने। हाँ, बिजनेस भी हो चुका और साइड बिजनेस वो सब। और एक बार आपका नाम? मेरे नाम है भावनेश भजंत्री। कहाँ के रहने वाले आप? इधर बायोड क्लास विजयपुर। विजयपुर यहीं पे रहते हैं? हाँ। मोटर करती है कितने बटे? 1000 टोटल मिला को पर हेड के पत्ते से मोटर 400 नहीं प्राइस नहीं ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 इसका पर हेड का पत्ते रेंज तक जाता है? 2 किलोमीटर जीपीएस बटन नहीं है नहीं ट्राई किया उसका अभी मिनिमम कहाँ तक ट्राई करें तुम्हें? 200 मेरे पापा सड़क में आके मुझे पास दिए बना करके कुछ तो मैं मतलब मुझे ये था माइंड था कि बनाना करके और अभी तक मैं किसी इंस्पायर को बनाई मतलब मेरे पापा को ड्रोन उड़ाने का बहुत शौक इसके लिए मैं भी मतलब थोड़ा आई हूँ। आपके पापा क्या कर रहे हैं? अभी ये कितने से मन से ट्राई कर रहे हैं कि एयरली से ट्राई कर रहे हैं? पूरा कंप्लीट कर रहे छोड़े इससे पहले कैलिब ट्राई नहीं करे मतलब उतना अच्छा कैलिब्रेट नहीं होता मतलब बहुत बार इससे पहले और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए एक्सप्रेम मतलब रिमोट कंट्रोल पास आरसीआर 100 फर्स्ट टाइम में ड्रोन का कैमरा कौन सा लेवल में बताए अभी फोन सब बैठता है और ये नहीं बैठा है पूरा खाली ये ड्रोन का इतना ही करे तो आगे पूरा कैमरे का पूरा सेटअप करने के लिए अभी टाइम है कितना लगेगा आपके सामने 1 ईयर तक लगेगा ड्रोन मिला के करेंगे या सिंगल मेरा भाव आपका नाम क्या है? आपने स्कूल का कैसे किया? पीडी जैसा स्कूल में किया ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ